इससे पिछले लेक्चर में हमने हार्मोनिक सीक्वेंस को स्टडी किया और हमने देखा कि अगर हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लें तो वो हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस बनेगा, और अगर हार्मोनिक सीक्वेंस की टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लें तो वो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस बनेगा। और हमने ये भी देखा कि जब भी हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस का कोई भी जब भी हमने हार्मोनिक सीक्वेंस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो उसको हम टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके सबसे पहले अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाएंगे और फिर वहां पे जाके उसको सॉल्व करेंगे, और दो नंबर्स के दरमियान हार्मोनिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला भी हमने स्टडी किया। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 6.10 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6.10 क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड नाइन्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन विच इज 1/3, 1/5, 1/7 and so on। ये हमारे पास एक हार्मोनिक सीक्वेंस है, इसकी हमने नाइन्थ टर्म फाइंड करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हार्मोनिक सीक्वेंस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा सबसे पहले हम उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाएंगे। टर्म्स का रेसिप्रोकल लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3, 5, 7 and so on आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस बना लिया, हमने जो भी चीज फाइंड करनी है वो हम इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की फाइंड करेंगे और एंड पे जाके फिर उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे पास वही चीज इस हार्मोनिक सीक्वेंस की होगी। मिसाल के तौर पे हमने नाइन्थ टर्म फाइंड करनी है इस हार्मोनिक सीक्वेंस की, हम पहले नाइन्थ टर्म फाइंड करेंगे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की और उसके बाद उस नाइन्थ टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन की नाइन्थ टर्म होगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म फाइंड करना हो तो जनरल टर्म का हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन हमारे पास है 9, हमने नाइन्थ टर्म फाइंड करना है। ए वन फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 3 एंड डी डिफरेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव टर्म्स विच इज 5 - 3 = 2। अब हम ये वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास ए 9 इज इक्वल टू 3 प्लस 9 - 1 * 2 विच इज इक्वल टू 3 + 8 * 2 विच इज इक्वल टू 3 + 16 और 19। अब ये जो ए 9 नाइन्थ टर्म है इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो कि है 19, और हमने फाइंड करनी है हार्मोनिक सीक्वेंस की, तो अब हम इस टर्म का रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/A9 विच इज इक्वल टू 1/19 विच इज नाइन्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो बाकी क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से हैं, पहले दो क्वेश्चन उनके चार पार्ट्स के, आपके पास एक सीक्वेंस दिया गया है उनमें से आपने कोई टर्म फाइंड करनी है, तो जो सीक्वेंस दिया गया होगा हार्मोनिक सीक्वेंस पहले उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके आप अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाएंगे और फिर जो भी टर्म फाइंड करना होगी आप उस अरिथमेटिक सीक्वेंस की फाइंड करेंगे और एंड पे जाके उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस की वही टर्म होगी। देन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन बिटवीन -2/5 and 2/13। 2/5, -2/5 or 2/13 के दरमियान हमने 5 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया कि जब भी हमने हार्मोनिक सीक्वेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम उन टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस में लेके जाएंगे। अगर इन टर्म्स का मैं रेसिप्रोकल लूं तो ये हो जाएंगी -5/2
एंड 13/2 जो कि टर्म्स होंगी ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर इन टर्म्स के दरमियान मैं 5 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दूं और उसके बाद उन अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल ले लूं तो वो 5 हार्मोनिक मीन होंगे। लेट A1, A2, A3, A4 एंड A5 आर अरिथमेटिक मीन बिटवीन -5/2 एंड 13/2। अगर ये हमारे पास 5 अरिथमेटिक मीन होंगे बिटवीन 5/2 एंड 13/2, देन -5/2 A1, A2, A3, A4, A5 एंड 13/2 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब हम जिस तरीके से अरिथमेटिक सीक्वेंसेस में अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करते आए हैं उसी तरीके से अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेंगे और उसके बाद उनका रेसिप्रोकल ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास A1 इज -5/2 एंड A7 इज 13/2। हमने एक्चुअली इस सीक्वेंस की टर्म्स फाइंड करना है तो हमें कॉमन डिफरेंस की जरूरत है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे An इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू डी। डी फाइंड करने के लिए ये 7th टर्म हमारे पास गिवन है, A1 भी गिवन है, तो हम डी फाइंड कर लेंगे। A7 के लिए अगर मैं इस फॉर्मूला को लिखूं तो ये हो जाएगा A7 इज इक्वल टू A1 प्लस 6D। A7 इज 13/2, A1 इज -5/2 प्लस 6D। इसको हम सॉल्व करेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी D इज इक्वल टू 3/2। अब हमारे पास A1 इज -5/2, D इज 3/2 और अरिथमेटिक मीन्स जो हैं वो हम फाइंड कर लेंगे। किस तरीके से कि ये जो हमारे पास पहला अरिथमेटिक मीन है ये एक्चुअली इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की दूसरी टर्म है। अरिथमेटिक सीक्वेंस की दूसरी टर्म फाइंड करने के लिए हम पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -5/2 प्लस 3/2 विच इज इक्वल टू -1। सिमिलरली दूसरा अरिथमेटिक मीन इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की तीसरी टर्म है, तो उस तीसरी टर्म फाइंड करने के लिए हम पहली टर्म में 2 दफा कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। आप ऐड करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2। सिमिलरली तीसरा अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए आप 3 दफा डिफरेंस को पहली टर्म में ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2। A4 के लिए आप पहली टर्म में 4 दफा कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7/2। सॉरी ये A2 1/2 आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। और पांचवा अरिथमेटिक मीन आपके पास आ जाएगा 5। और अब हमने एक्चुअली हार्मोनिक मीन्स फाइंड करना थे तो हम इन अरिथमेटिक मीन्स का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो H1 हमारे पास आ जाएगा -1, H2 इस अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल तो ये आपके पास आ जाएगा 2, H3 इस अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, H4 इसका रेसिप्रोकल ये आपके पास आ जाएगा 2/7 एंड H5 इज इक्वल टू 1/5। तो आपने एक्चुअली हार्मोनिक मीन्स फाइंड करना थे इन दो टर्म्स के दरमियान जो कि आपके पास ये आ गए हैं, लेकिन सबसे पहले आप इन टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके
उनको अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स बनाया और उनके दरमियान आपने पांच अरिथमेटिक मीन्स फाइंड कर लिए और उन अरिथमेटिक मीन्स का रेसिप्रोकल लिया तो वो आपके पास हार्मोनिक मीन्स आ गए। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज फर्स्ट टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज माइनस 1/3 एंड फिफ्थ टर्म इज 1/5। फाइंड इट्स नाइन्थ टर्म। हार्मोनिक सीक्वेंस की पहली टर्म हमारे पास -1/3 है, पांचवी टर्म 1/5 है, हमने उसकी नाइन्थ टर्म फाइंड करनी है। इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म a1 इज -1/3 एंड फिफ्थ टर्म a5 इज 1/5। हमने नाइन्थ टर्म जो है वो फाइंड करना है। अगर इसको मैं अरिथमेटिक सीक्वेंस में लेके जाऊं तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास फर्स्ट टर्म हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल यानी के -3, फिफ्थ टर्म हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल 5। हम इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की नाइन्थ टर्म फाइंड कर लेंगे और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे पास इस हार्मोनिक सीक्वेंस की नाइन्थ टर्म होगी। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए हमें यह फॉर्मूला यूज करना पड़ता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, जो टर्म हमने फाइंड करना है n भी है, लेकिन d नहीं है। d फाइंड करने के लिए हम इस फिफ्थ टर्म को यूज करेंगे। इस फिफ्थ टर्म को इस फॉर्मूला के जरिए लिखा जा सकता है a5 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d। a5 हमारे पास है 5, फर्स्ट टर्म इज -3 प्लस 4 इंटू डी हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4d इज इक्वल टू 8 और d इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास डिफरेंस भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी है, तो अब हम नाइन्थ टर्म फाइंड कर सकते हैं a9 इज इक्वल टू a1 प्लस 8d। a1 इज -3 प्लस 8 इंटू डी इज 2। तो ये हमारे पास हो गया -3 प्लस 16 विच इज प्लस 13। ये तो है नाइन्थ टर्म हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, और हमने नाइन्थ टर्म फाइंड करना थी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। हम इस टर्म का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हमारे पास नाइन्थ टर्म होगी ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ 5 इज हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड b, फाइंड b। अगर 2 एंड b के दरमियान 5 हार्मोनिक मीन हो तो हमने b फाइंड करना है। हार्मोनिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला होता है हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस b, वेयर ए एंड बी आर टर्म्स बिटवीन विच वी आर फाइंडिंग द हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन हमें बता दिया गया है 5, एक टर्म हमारे पास है 2 और दूसरी है b। हमने इस b की वैल्यू फाइंड करनी है जब हार्मोनिक मीन 5 हो। हार्मोनिक मीन की जगह पे 5 पुट कर देंगे, 5 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म की जगह पे 2 पुट कर देंगे, सेकेंड टर्म b जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस बी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 4 बी।
और 10 प्लस 5b इज इक्वल टू 4b, या इसको इस साइड पे ले जाएं, 5b माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 10 एंड b इज इक्वल टू माइनस 10. सो b की वैल्यू हमारे पास माइनस 10 आ गई. एक्चुअली 5 जो है ये हार्मोनिक मीन है बिटवीन 2 एंड माइनस 10. उसने हमें कहा था कि ये 2 एंड b के दरमियान है, आप b की वैल्यू फाइंड करें. तो b की हमने वैल्यू फाइंड की, वो है माइनस 10. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ द नंबर्स वन ओवर के, वन ओवर टू के प्लस वन एंड वन ओवर फोर के माइनस वन आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फाइंड के. के की वैल्यू फाइंड करें जब हमारे पास ये नंबर्स जो हैं ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो. वन ओवर के, वन ओवर 2k प्लस 1 एंड 1 ओवर 4k माइनस 1, ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है. हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर हम इन टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लें तो वो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाएगा. k 2k प्लस 1 एंड 4k माइनस 1, ये हमारे पास अब आ गए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लिया. अब हम यहां से के की वैल्यू फाइंड करेंगे. अगर मैं डिफरेंस फाइंड करूं इन दो टर्म्स के दरमियान डी, तो वो हो जाएगा 2k प्लस 1 माइनस के, विच इज इक्वल टू 2k माइनस के k प्लस 1. और अगर मैं इन दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस फाइंड करूं तो वो हो जाएगा d इज इक्वल टू 4k माइनस 1 माइनस 2k माइनस 1. तो ये हो जाएगा 2k माइनस 2. अब ये भी हमारे पास डिफरेंस है, ये भी हमारे पास डिफरेंस है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम होता है. तो इसका मतलब है कि 2k माइनस 2 इज इक्वल टू k प्लस 1. k वाले टर्म्स को एक साइड पे ले जाएं और दूसरे टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएं, जाएगा 2k माइनस k इज इक्वल टू 2 प्लस 1 और k इज इक्वल टू 3. सो द वैल्यू ऑफ k इज 3. नंबर्स हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस में दिए गए थे, हमने k की वैल्यू फाइंड करना थी. हम उन नंबर्स को अरिथमेटिक सीक्वेंस में ले आए और वहां से फिर हमने k की वैल्यू फाइंड की. k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने पहले इन दो टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस लिया, वो हमारे पास आ गया. नेक्स्ट टू टर्म्स के दरमियान डिफरेंस लिया, वो आ गया. और जैसे कि हमें पता है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में पूरे सीक्वेंस के अंदर दो कंजेक्टिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम होता है. ये भी कॉमन डिफरेंस है, ये भी कॉमन डिफरेंस है, दोनों आपस में सेम हैं तो आपस में इक्वल होंगे. वहां से फिर हमने के की वैल्यू फाइंड कर ली.